कभी कभी कुछ लोगों को गाली देने का बहुत मन करता है, फिर एकदम मुझे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी रात के बज रहे हैं 2 और हम लोग जा रहे हैं दतिया माता रानी के दर्शन करने। सो ठंड बहुत है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मफलर लगाई हूँ, ठंड बहुत है। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से माई के दर्शन करते हैं। सफर है 4-5 घंटे, गाड़ी चलानी पड़ती है, इसलिए जो गाड़ी चलाता है वो कॉफी पीता है, साथ में जो उसके साथ जाते हैं वो भी कॉफी पीते हैं। और ये नितिन भैया, ये तो भाई साहब कॉफी खाली है, ये माइक के सामने 15 मिनट टाइम देके कपड़े हिला के, सो इनके लिए ज्यादा जरूरी है कॉफी, हम लोग तो चाय से भी काम। सो बने रहिए। हे गाइस, फाइनली हम लोग झांसी आ गए हैं और झांसी में रुक के अब हम लोग चाय पी रहे हैं और रात में हम लोग निकलते हैं। और रात में गाड़ी चलाना और इतनी ठंड है भाई साहब, मैं देखिए सो ही रही थी। बहुत ठंडी है, कुछ भी कहो ठंड में कुल्हड़ वाली चाय मजा आ जाती। सो हे गाइस, ये सुबह के 6 बज रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सुबह हो गई और सामने देखिए सूर्य देवता धीरे धीरे निकल रहे हैं। इतना अच्छा मौसम था लेकिन ठंड है, ठंड में हम लोग बाहर नहीं निकले और ऐसे ही सूर्य देवता को देखते देखते हम लोग तब दतिया में एंटर हो गए, पता नहीं चला। सो आ गए और मिलते हैं आगे माई के दर्शन करने। जय माई। आप लोग देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ियां हैं, दूर दूर से बहुत लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग यूपी। आपको यहां अगर आप लोग आएंगे तो आप देखेंगे यूपी 78, यूपी 32, आपको यही गाड़ियाँ दिखेगी। और ये मेन एंट्रेंस है माता जी का और हम लोग पार्किंग से जाते हैं तो हम लोग ये बैक साइड में है इनका पार्किंग का। पहले हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वहीं पे और वहीं से ही रास्ता है लेते हैं। और जैसा कि अभी आप देखेंगे ये जो रास्ता इसी से हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग का 10 रुपये है। और ये देखिए, और यहाँ पे योगा क्लास भी लगती है, यहाँ के लोकल जो हैं वो आते हैं योगा क्लास लेते हैं यहाँ के। और आप देख सकते हैं अभी लोग योगा कर रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं ना योगा कर रहे हैं। सो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया था और थोड़ा हम लोग थक गए थे तो बस अब हम लोग थोड़ा ठंडी में हाथ पैर भी टाइट हो जाते हैं तो ठंडी लेकर के हम लोग आ गए। बहुत ठंडी है, तुम नहीं निकलोगे क्या बाहर?
बाहर नहीं निकलोगे हैं? नींद ना मारो, चलो दर्शन करने, गाइडा नींद मार ले फिर चले। आप जैसा कि मेरा आवाज सुन रहे हैं, सब है सब है, और नंगे पैर चलना ठंड में भैया ठंड लगती है, भैया को चेना याद आ रही है, ठंड है ही, आप लोग कहेंगे बार बार मैं कह रही हूँ ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, हाँ भाई ठंड लग रही है, ठंडी में बार बार मुझसे यही निकलता है कि ऐसे करके निकलता है साउंड आता है, सच में ठंडी थी वहाँ भी थी। आशू मेरा वीडियो बनाओ ऐसे, तुम कहो ना कि हिलाए ना तो हम का इच्छे से भी चले फिर मेरे को हिले ना लो लो पैर यहाँ था यार घर में गाइस वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने ये छोटी छोटी क्लिप ले ली थी, सो आप देख सकते हैं आरती का टाइम था क्योंकि हम लोग ऑन टाइम पहुँचे थे जब आरती स्टार्ट होने वाली थी, और आप लोग देख सकते हैं सब लोग एक ही जगह खड़े हैं और आप देखेंगे ये आरती स्टार्ट हो गई थी, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माई के। और जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला था कि पुलिस वाले अंकल आ गए, मुझे डांटने लगे, मैंने रख लिया। सो ये बाहर का है पूरा, मतलब उसी के अंदर ही का है, और आप लोग सामने जो देख रहे हैं वहाँ माई मतलब माई के हैं दर्शन होते हैं, और ये बेलपत्र का पेड़ है, यहाँ भी लोग पूजा करते हैं आके, बेलपत्र का है और दो तीन और पेड़ हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया किस चीज़ के हैं, यहाँ पे लोग आते हैं। और शनिवार के दिन हम लोग गए थे तो यहाँ पे शनिवार को तेल का दीपक जलाते हैं। सो फ्रेंड ये मॉर्निंग के 6:30 बज रहे थे, समझ सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे साफ साफ लिखा था आप लोग फ़ोन नहीं ला सकते, और ये कैमरा माई उमापत्नी माई की, यहाँ पे वो सामने आप देख रहे हैं उमापत्नी माई की भीड़ है, और यहाँ पे 1,000 से ज़्यादा लोग आज के दिन आते हैं शनिवार को, सैटरडे को ही उमापत्नी माई के दर्शन होते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में होते हैं, और सुहागिनें यहाँ दर्शन नहीं करती हैं। सो मैंने दर्शन नहीं किए थे, और हम लोग दर्शन करके ये पापा निकल आए, अब हम लोग नाश्ता करने जाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। सो हम लोग का है गाइस माई के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा करने, नाश्ता पानी। अच्छे काम भी करने चाहिए, ठीक है, मिल रहा है जूस 10 रुपए का पिलो आंवला जूस, माई की नगरी में ये जो सामने दुकान है ये अफीम, सुना है ये अफीम बेचते हैं। हे गाइस जो मैं कह रही हूँ ये अफीम क्या बेचते हैं,
मुझे भी नहीं पता ये क्या बेस्ट है, मैंने खाया चाट की बॉडी और नहीं चले गई अच्छा था। सो हम लोग आ गए वही अपनी पुरानी जगह है पोहा खाने, भैया ये सुबह बना लेते होंगे पोहा, सुबह बना लेते होंगे चार बजे बन, अच्छा अंदर के पोहे कितने हैं? आजू करेले का पियो, तुम करेले का पियो भैया, आप करेले का पियो सुबह डाउन हो जाएगा। पालक मिक्स बना रहे हैं, लौकी। अब भैया अगर खत्म हो जाएगा अच्छा बंदर आंवला हेल्दी भैया, एक मेरा भी बना दो भैया। आप पहली बार दिखे आप? नहीं, हम अभी हमें अट्ठाईस तारीख से लगा रहे हैं। इनका जीवन यही बीत जाए, खाली कैमरा पकड़ पकड़े साले। इसे कहते हैं पत्नी का प्रोत्साहन करना, पीछे कैमरा लेने ले रहे। अब ये शंका कर रहा है कि प्रोत्साहन कर रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। सही आपको याला ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।